नहीं अच्छा मैम, हम आपके सामने ज़्यादा समय नहीं लेंगे और इतनी गंभीर बहस हो रही है अविश्वास के प्रस्ताव पर, उसमें बाधा नहीं डालेंगे। लेकिन हमारी मजबूरी है, अच्छा होता माननीय प्रधानमंत्री जी अगर होते तो अच्छा रहता, क्योंकि उन्होंने कहा था इमरजेंसी का नाम लिया था। अब इमरजेंसी इनकी भी हमें भोगनी पड़ी और इनकी भी इमरजेंसी भोगनी पड़ती। आहोषण कल 11 बजे से लेकर के आज रात के 2 बजे तक 1000 से ज़्यादा स्वच्छा बल और दर्जनों एक्साइज विभाग के अफसर मिलकर के अमर सिंह के यहाँ गाजियाबाद में छापा मारा। लेकिन उनको पता नहीं था कि अमर सिंह जी उन कारखानों से 6 साल पहले इस्तीफा दवा दे चुके थे। लेकिन उनके वृद्ध पिताजी और भाई को कितना अपमानित किया है, ये अगर घर के लोग देखें। और जब कुछ अधिकारियों ने, उनके नाम नहीं लूँगा, कहा कि साहब संसद चल रही है, तो उनका संसद के समय ही अमर सिंह को मजा चखाना है, इसके खिलाफ रफल लिखाइए। लेकिन शाम को पता चला कि उनके नाम वो संचालक मंडल में है ही नहीं। इस तरह से आज अघोषित क्या इमरजेंसी नहीं है, इसलिए हम अपने पूरे हम जोर साहब से भी कहना चाहते हैं, इमरजेंसी हमने इधर से भी भोगी और आपके राज्य में भोगी। मुलायम सिंह जी, आप जानते हैं कि आज हमारे यहाँ सदन में गंभीर बात है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा है, नहीं उनके वृद्ध पिताजी को मैं आपको समय नहीं दे सकता हूँ ज्यादा, और इसीलिए असेंबली एक बढ़ा दी गई केवल संसद की वजह से। 1 साल से कोई भी बिना बजट पास ये विधानसभा के वहाँ पास हो रहा, क्या ये इमरजेंसी नहीं? और अमर सिंह के, और इसी तरह से हमने बताया था कोटा के बारे में, मैंने यहाँ तक कल कहा था। इसलिए हम कह रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यहाँ से लोकसभा की एक कमेटी बना के जांच के लिए भेजी जाए कि आकर अमर सिंह सांसद भी हैं, समाजवादी पार्टी के महामंत्री भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, उनके घर पर छापा मार के उनके वृद्ध पिता को, उनके भाइयों को अपमानित किया गया है, और एक मंत्री टेलीफोन करता है तो कुछ ही करो, इनके खिलाफ रफा लिखाओ। मुख्यमंत्री टेलीफोन दिल्ली से जाता है कि जल्दी से रफा लिखाओ। मुझे आगे के बिजनेस पर जाना है। इसलिए महोदय हमारी मांग है, और अगर अच्छा हो कोई जवाब दे, और नहीं जवाब दे तो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल पड़ेगी कोई जवाब दे। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इशू इन माय डिस्ट्रिक्ट। प्लीज बैठिए। ये गंभीर मामला, हम एक अच्छा वातावरण बनाना चाहते हैं, ऐसे में आपको बोलना चाहिए, बताना चाहिए। लिमिटेड देखिए, आज प्रधानमंत्री जी इस चर्चा का जवाब देने आए।